इलेक्ट्रा की हमने लिथियम आयन वाली जो है बाइक जो है अरेंज की हुई है, और हमारे साथ हसनैन है जो हमारे गाइड हैं लियारी के, बॉर्न एंड ब्रेड इन लियारी। और आप इम्पोर्टेंटली हसनैन रजा जो है मेरे खेल के राइटर डायरेक्टर साउंड लाइट डिजाइनर हर फन मौला है। तो सबसे पहला स्टॉप बताएं कि यहाँ होगा हमारा कहाँ, यहाँ से किधर चलेंगे? इस वक्त खड़े हैं लियारी के गेट पे, आप देख सकते हैं वेलकम टू लियारी। तो लियारी शुरू यहाँ से होता है, हम यहाँ से जाएंगे ली मार्केट जो एक मेन चौक बड़ा वाला बहुत पुराना सा है, सही है, लेकिन वहाँ ट्रैफिक बहुत होगा। तो हमारा चैलेंज ये है कि हम ट्रैफिक में निकल कर वहाँ से चले जाएँ। तो हम शुरू करते हैं अपना। तो इसमें थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या है। ये इसका स्पोर्ट्स मोड है, ऊपर ऊपर करेंगे तो, और नीचे करेंगे तो इको मोड है। इसके अलावा इसका यहाँ से पार्किंग लग जाता है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। और ये इसकी जो है रियर ब्रेक है, ये फ्रंट ब्रेक है। हमने सनसेट का भी प्लान किया था ना, सनसेट का प्लान किया था हम लियारी की गलियां घूम कर, फिर हमारे पास 10 मिनट होंगे कि हम हॉकवे के रोड से जाके सनसेट देखें। सर जैसे ये देखें, ये लियारी का सबसे बड़ा मसला है कि लोग यहाँ पे देखते नहीं है रोड क्रॉस करते हुए। अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला है, मतलब आपकी आँखें किसी और की आँखें नहीं है, आपका ये होना चाहिए। अच्छा, ये है ककरी ग्राउंड लियारी का। ग्राउंड ककरी ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पर शादी हुई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। क्रिकेट ग्राउंड है जी? नहीं, ये फुटबॉल ग्राउंड एक तरह से। अच्छा, फुटबॉल ग्राउंड। अच्छा, लियारी में फुटबॉल टीम भी है इनकी कोई? मैंने हाँ टीम है, मतलब लियारी में हर इलाके में क्लब है फुटबॉल का, हर इलाके में, मतलब बच्चों का अलग क्लब है, बड़ों का अलग है। सर देखा है? देखा है ककरी ग्राउंड जहाँ पर शादी हुई थी बेनज़ीर भुट्टो की, लकड़ी ग्राउंड। हाँ, अच्छा अच्छा, ये था मूसा लेन। अब हम सामने जा रहे हैं ली मार्केट। कौन सी मार्केट? ली मार्केट। और ली मार्केट का ये है कि वहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं। ली मार्केट, ली मार्केट, ये किसके नाम पे है? कोई ली, कोई फॉरेनर? कोई अंग्रेज ही थे जो जिन वहाँ पे हुकूमत करते थे, उनके नाम पे ही है। अच्छा 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 जी। और यहाँ पर ये है कि बहुत लियारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया है। लियारी बहुत पुराना है जी, वो पाकिस्तान से पहले भी लियारी था, ये पूरा एक मछेरों का इलाका था। अच्छा, और पार्टीशन के बाद पैदा होने से लेके अब तक कोई चेंजेस आए हैं? पहले तो सुना था बहुत वायलेंट था ये। बहुत ज़्यादा सर, मुझे याद है कि हम बहुत छोटे थे जब ये सब चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, कि लियारी गैंग वार जो होता था, सही ना, हर कोई जानता है। लेकिन लियारी के लोग इतने पीसफुल हैं, ज़ाहिर उन्होंने बुरे हालात देखे हैं, तो अब उनको एहसास है कि भाई जब एक अमन होता है वो उसमें किस तरह रहा जाता है। तो लियारी में हर बंदा आपको मिलेगा, मतलब लियारी एक तरह से मिनी पाकिस्तान है। अच्छा, यहाँ पे आपको पठान, सिंधी, बलोची तो खैर वैसे भी हैं। अच्छा, डाइवर्सिटी है इधर? डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है सर, और लोग पीसफुली एक दूसरे के साथ। बिल्कुल, आप देखें ये तो है दुकानें पठानों की हैं, ये जूते वाले हैं, आपको जो है वो चाय वाले पठान मिलेंगे लियारी में। सर बाइक कैसा लग रहा है आपको? वो सर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। इलेक्ट्रिक और उसमें क्या फ़र्क फील हो रहा है जो आपको नॉर्मल 125 या दूसरा आप 70 चलाते हैं? सर सबसे बड़ी बात है क्लच का मसला नहीं है इसमें। हाँ, वो जो बार बार गियर भी चेंज नहीं करना और साइलेंट। हाँ, देखिए अगर ये सारा सब लोग ये गाड़ी चलाने लग जाए बाइक को, बिल्कुल ही आपको तो मतलब मेरा ऐसे साउंड पोल्यूशन जो है बहुत मिनिमल हो जाएगी। बिल्कुल, अभी आप जो सुन रहे हैं ना जो इतना साउंड जो हो रहा है। अच्छा जी, ये क्योंकि बिल्डिंग है, ये फ्लैट्स हैं लोगों के? ये हाँ सारे फ्लैट्स हैं ये। अच्छा, ये इतना बैकवर्ड एरिया समझा जाता है, तो लाहौर या फैसलाबाद में देखें तो जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं उधर नहीं ऐसे फ्लैट होते मतलब। यहाँ पर तो बैकवर्ड एरिया में भी फ्लैट्स हैं। जो परसेप्शन थी कि बहुत ही बैकवर्ड होगा, पतली पतली गलियाँ होगी, उस तरह तो नहीं है ये, मतलब लाहौर के बाजारों से कंपेयर किया जाए वैसा ही है। यहाँ पर सबर किसी को नहीं आता, ये हम वही रो रहे हैं। कराची है, लाहौर में भी ऐसे ही है, इतना ज़्यादा हर जगह ऐसे ही है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे नेगेटिव पेंट करूँ, तो इट इज़ लाइक एनी अदर प्लेस इन पाकिस्तान। मुझे तो लगता है लाहौर में अगर जाएं या इधर उधर जाएं तो ज़्यादा लोगों को जल्दी होती है। अच्छा, अब यहाँ से हम जाएंगे चील चौक, आपने नाम तो सुना होगा इस जगह का। चील चौक? चील चौक हाँ, बड़ा मशहूर है चील चौक। चौक जो है ना, चील चौक जा रहे हैं आप, पुराने दौर की वीडियोस देखें जो पुराने सालों की, और अब जाके देखें आप, लियारी में अमन ही अमन है हर जगह। हाँ, लोग बहुत बढ़ गए हैं, लियारी की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर लोग इतना फंसते हैं ट्रैफिक में कि फिर उनको जगह मिलती है निकल जाते हैं, तो ये एक है यहाँ का चील चौक। सर चील चौक आप भी नाम लेते रहते हैं, चील चौक चील चौक चील चौक लाहौर में भी है हर जगह। चील चौक, लेकिन जहाँ चील लगी वो चील चौक। अच्छा, मतलब बंदा बोर हो रहा हो तो चील चौक में चील कर ले। अच्छा, ये है लियारी का कश्ती चौक। कौन सा? कश्ती चौक, ये कश्ती चौक है, और इसी के बिल्कुल आगे सीधा चील चौक है। सर कश्ती चौक, कश्ती चौक, बोट बोट। तो मैं वही बता रहा हूँ कि परसेप्शन तो इसकी ऐसी है जैसे पता नहीं कोई रोड ही नहीं होगी, कच्ची आबादी होगी। नहीं, यहाँ जब बारिश हुई थी तब पानी बिल्कुल नहीं था सड़कों पे, ये बड़ी
हैरानी वाली बात थी कि अच्छा बाहर निकल के ये बड़ी अच्छी बातें ले आ रही थी यहाँ पर लोगों को। ये है बेनेडिक्ट यूनिवर्सिटी ले आ रही। हाँ, यहाँ मैंने एडमिशन लिया था और उसके बाद फिर मैं नाभा चला गया। अच्छा, मेरी थिएटर आर्टिस्ट जर्नी शुरू हुई थी। मैं यहाँ पर टूटी हुई है वैसे। अच्छा, तो फिर आप एक साल के बाद आपको लगा कि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं नाभा चला गया? नहीं, मुझे लगा पहले से, लेकिन मुझे अब्बा को मनाना था। अच्छा, तो अब्बा को मनाते मनाते मुझे एक साल लग गया। फिर मेरा बड़ा भाई है, उसने मेरा साथ दिया और मुझे शुरू से लिखने का शौक था। अच्छा, तो फिर आखिरकार मैंने जो है वो एक खेल लिख दिया, नामुकम्मल, जो कराची में हुआ। अच्छा, नामुकम्मल आपने लिखा हुआ है जो अभी होना है, लाहौर में भी होना है? इंशाल्लाह लाहौर में भी होना है नवंबर में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा अच्छा खेल है और उस खेल की खासियत है कि वो खेल जो है वो हमारी अपनी कहानी है, हमारा अपना कल्चर है। ये सामने जी दिख रहे हैं चील चौक आ गया। क्या बात, मतलब आज से कोई 8 साल पहले आप यहाँ पे सड़क पे आ नहीं सकते थे और आज तो आप सर चील चौक, तो आप कह रहे हैं बहुत रश होगा ये सर। सर हमारे लिए बहुत बड़ी रश है ना, क्योंकि वैसे ही लोग यहाँ पर नहीं होते थे इतने ज़्यादा जब हालात ख़राब होते थे। अब आप देख रहे हैं हर जगह ट्रैफिक है, लोग हैं। सर चील और मछली चौक, चील चौक आ गया, चील चौक बाइक लोग पसंद कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। देखिए जब नई बाइक होती है ना तो वैसे ही, और ये बाइक इतनी खूबसूरत चलाने में, इतनी दिखने में इतनी अच्छी है, और देखिए स्पीड स्पीड जो पिक है वो भी बड़ी अच्छी है। अभी तो इकोनॉमी मोड पे आप चला रहे हैं, स्पोर्ट मोड पे चलाएंगे वो दरअसल मेन रोड पे चलाएंगे। हम जब जाएंगे ना वहाँ पे बड़े रोड, टॉर्क बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रिक गाड़ी के ना, जो पिक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, लहरी में क्या होता है कि हर गली में आपको ग्राउंड मिलता है। अच्छा, क्योंकि लहरी की बड़ी खास बात है, तो अगर ग्राउंड होगा जाहिर है फिर प्लेस आप। ये किस चीज़ का ग्राउंड है? ये भी फुटबॉल ग्राउंड है एक तरह से, लहरी में ग्राउंड बहुत मिलेंगे आप, ग्राउंड ही ग्राउंड है। और देखिए कितना रश है यहाँ पे, हर कोई अपना मजे से खेल रहा है। ये है बकरा पीढ़ी का इलाका। बकरा बकरा पीढ़ी। यहाँ अब हम जाएंगे कश्ती वाली मस्जिद पे, क्योंकि इस तरफ है। अच्छा, ये है लियारी एक्सप्रेस वे। अच्छा, ये लियारी एक्सप्रेस वे। मजा कितना आता है, बिल्कुल खामोशी यार, आप खामोशी और कितनी स्मूथ गाड़ी है यार। हाँ, मतलब इसमें पहले मैंने आपको बताया क्लच पकड़ने की टेंशन नहीं होती आपको, वरना की उंगलियाँ दर्द होती हैं। बाइक बंद नहीं होती अगर आप स्पीड ब्रेकर बढ़ाए आपका तो। हाँ, बड़ी मुझे तो अच्छी लग रही है यार। मैं कह रहा हूँ ना गियर लगानी है, आपके पाँव भी बड़े आराम से, ब्रेक्स आपके हाथ में ही है। बस ये लियारी के हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी बुरी है। हाँ, आप तो आराम से नहीं, वो देखिए वो लियारी में लोग वैसे ही क्या होता है कि हाँ, बड़े 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 बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत खेल रहे होते गलियों में, इसीलिए लोगों ने बड़े बना दिए उसको। ये सर ये भी बचपन में खेलते होंगे फुटबॉल से आते सर, इसकी टॉर्क बहुत ज्यादा है, मैं जरा बगैर सहारे का था। अच्छा, लाहौर में कोई इलाका है लियारी की तरह इस तरह का? लाहौर में अंदरून इलाका है वो, उधर थोड़ा आर्किटेक्चर थोड़ा रश है ना, वो मस्जिद है और ज़्यादा रश है ना, लाहौर का रूल ज़्यादा रश है। चले, हाँ बहुत ज़्यादा रश, यहाँ तो कोई रश ही नहीं है, ये रश है। चले चले पीछे ट्रैफिक रुक, सीधा चल रहे हैं। यहाँ ना हम गाड़ी के जंप्स चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? गाड़ी के जंप्स। हाँ, कितने अच्छे हैं। मुझे तो अच्छे, उसकी सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्ट है, हमारे की बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सस्पेंशन है। अच्छा, ये है कश्ती मस्जिद, और ये कश्ती में बनी हुई है, कश्ती में बनी हुई है, और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है यहाँ की, वाकई बहुत खूबसूरत है। ये किसने बनाई, ये कब से बनी हुई है? ये मेरा ख्याल है इसको काफ़ी अर्सा हो गया बनी हुई है, काफ़ी अर्सा का क्या नवाब से पहले पुरानी। और इसका जो नाम है वो है कच्ची जामा मस्जिद, कच्ची जो मैं हूँ, हमारी जो जबान है लियारी को जबान है, लियारी में लियारी जबान नहीं है, लियारी इलाका है, लियारी में बहुत सारी जबानें हैं। अच्छा, बहुत सी जबानों के लोग रहते हैं। मेरा ताल्लुक जो है वो कच्ची कम्युनिटी से। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं देख रहा हूँ लियारी में पाक व्यूज को बहुत लोग फॉलो करते हैं, आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, इसके बाद और फॉलो करेंगे, यही तो हम सब चाहते हैं। नहीं सर, वैसे ही आपके बहुत सारे फैन फॉलो होंगे। देखा आप मेरे घर के पास है, कितना रश हो गया था। यहाँ से यू टर्न लेके आप किधर जाएंगे? हम अब हम जा रहे हैं हॉक्स बे की तरफ। हॉक्स बे। अच्छा, हाँ। बस ये हमने एक्सप्लोर कर लिया लियारी। हाँ, तो फिर हम कुछ समोसे खा लेते हैं, फिर चाय पी लेते हैं, या फिर हम वहाँ चल के लेट हो जाएंगे। अभी टाइम क्या हुआ, एक सेकेंड, ऑटोमेटिक वॉच है वो, मैंने सेट नहीं की थी आने से, 558 घंटा है, तो चाय पी लेते हैं।
हॉक्स बे कितनी दूर है? चाय अच्छी मिलती मेरे इलाके में। कितने कितनी दूर है हॉक्स बे? हॉक्स बे यहाँ से है कोई 25-30 किलोमीटर। चले फिर चले चले हाँ, लेकिन रोड बड़ा अच्छा है तो वहाँ से पहुँच चले। बस सही है, वहीं भी डन है, डन है, डन है। चले 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 हॉक्स बे चले, वहीं चले आपके ही चले। हाँ सर, आपकी वैसे माशाल्लाह मोटरसाइकिल काफ़ी अच्छी है, ये सब लोग चला सकते हैं, छोटी हाइट वाले माशाल्लाह आपकी हाइट काफ़ी अच्छी है आमिर खान की तरह। अच्छा, लियारी में सुना है कि बाइकर्स का भी एक वुमेन बाइकर्स का क्लब है कि साइकिलिस्ट का? साइकिलिस्ट का है वो, अच्छा गर्ल्स कैफे। अच्छा अच्छा, वहाँ पर जो बच्चियाँ होती हैं वो हर इतवार को साइकिल से लेके निकलती हैं पूरी लियारी। तो सिक्योरिटी सेफ्टी का कोई इसमें इधर डर नहीं है मतलब? मेरा नहीं ख्याल कि अब इतना कोई ज़रूरी है सिक्योरिटी वगैरह का, क्योंकि लियारी में जिस तरह हालात ख़राब थे ना पहले के दौर में, अब उतना ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। अच्छा हाँ, यानी कि अब कोई रिपोर्ट नहीं आती कि लियारी में स्नैचिंग हो रही है। बिल्कुल मुझे कोई समझ में नहीं आता भाई किसी ने बोला हो पिछले 5 सालों में, अब लियारी बिल्कुल ही बदल चुका है। अच्छा सर, बस ये कि अब हमारे हुक्मरान थोड़ा सा रहम कर लें लियारी पर। तो यह मसाजिद भी है माशाल्लाह से बहुत है। हाँ इधर बाकी रिलीजन से भी लोग रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी के अलावा लियारी में क्रिश्चियंस रहते हैं बहुत सारे, यहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं, हिंदू रहते हैं, हमारे पड़ोसी थे बहुत सालों पहले जो हमारे साथ रहते थे। अच्छा अच्छा, हाँ लियारी में डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाकी कौमें रहती हैं, बाकी मजाब के लोग भी रहते हैं यहाँ पर, और सारे मिलजुल कर रहते हैं शुरू से ही एक साथ, कोई झगड़ा नहीं होता इनमें आपस में। स्पीड ब्रेकर बहुत है बस, नहीं ज़्यादा है लेकिन बड़े भी बहुत है ना, वो गाड़ी लगती है आपकी चले। और आपको हर गली में यहाँ पे चाय का होटल मिलेगा पठान का, लोग इस तरह बाहर बैठ रहे होते हैं शाम के काम के बाद। हाँ यहाँ वैसे ही चाय के होटल काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा है, चाय बहुत पी जाते हैं। हाँ बस ध्यान से बाकी गिराइएगा ना, बाकी ठीक है। ओह क्या हुआ, आई होप जब ये मेरा मैं नीचे करता हूँ वो हो गया व्यूअर्स, आई होप कि आप भी सुन सकते हैं और ये एक्सपीरियंस कर सकते होंगे जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है और ठंडी ठंडी हवा है, मतलब कि ना हल्की सी नमी भी है बीच में, मेरे हाथ बिल्कुल थक नहीं रहे इस बाइक से यार। मैं अपने घर से नापा जाता हूँ 5 किलोमीटर के, ठीक है जी, अब वो चलाते हुए मेरे हाथ इतने दर्द करते हैं ना, क्लच पकड़ना, ब्रेक मारना, बार नापा बार अभी तक जा रहे हैं नापा? अब हम जाते हैं कभी कभार, अभी वहाँ पे एक शो हो रहा है उसके। अच्छा वैसे आपकी ग्रेजुएट हो गए हैं? हाँ वो तो हम हो चुके हैं लास्ट ईयर ही। ये कौन सा कौन सी जगह है? ये गुलबाई शुरू होने वाला है यहाँ पे, हाईवे है ये? हाँ ये माड़ीपुर हाईवे है। मालीपुर? माड़ीपुर। कौन सा हाईवे है ये? माड़ीपुर। माड़ीपुर 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 जिंदाबाद माड़ीपुर। ध्यान से सकते हैं और कौन बजा गए भाई, ये गुलबाई का रोड है सारा। अच्छा इसके इस तरफ हम जा रहे हैं, हवा कितनी तेज है इधर। अगर ये बाइक कोई लेता है लियारी में तो उसको चार्ज करने का क्या होता है, किस तरह मतलब ये होती है? बस ये नॉर्मल सॉकेट पे लग जाता है। अच्छा हाँ, अरे इसका चार्जर साथ मिलता है वो नॉर्मल सॉकेट पे लग जाएगा, 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाता है। और फिर चलती कितनी है? इस पर चलती है 80 to 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर, मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए बड़ी अच्छी है ना ये बाइक जी, नॉर्मल यूज़ के लिए बड़ी अच्छी है बाइक ये वाली। हाँ सर, पतला पतला होने का मेरे पास इलाज है। क्या इलाज है पतला होने का? वो जिससे बस नहीं, जिसने बनाई कैलेंडरी बॉडी मेकर उसे बॉडी को ना ये तो कंफर्टेबल है अरे ये देख, यही तो हम सब चाहते थे
अच्छा इसका इस बाइक का भी वही है क्या? वही ये चलाने में ज़्यादा अच्छी है यार। अरे यार इसमें आपका फुटरेस कितना अच्छा है। क्या बात, अभी हमने काफ़ी चला ली है। हाँ उसके बावजूद और 50% हुई है अभी। हाँ। बैटरी बेहतर लगी मुझे, ये वाली बेहतर लग रही है चलाने में। कंफर्टेबल है बैठने में। हाँ। शीशे भी नहीं है उसके, शीशे बड़े स्टाइलिंग लगे। हाँ। वो शीशे तो उतारे हुए हैं। हाँ, लेकिन उसके शीशे बड़ी चीज है, वो कैफे रेसर स्टाइल है ना वैसे भी। हां ये स्पोर्ट स्टाइल में पीछे वाले के लिए तो बहुत मुश्किल है। आप तो बड़े कंफर्ट में आ गए होंगे। हां मैं तो हो गया, नहीं तो मेरी तो तशरीफ की प्रिपरेशन हो गई। मैं तो बैठता भी नहीं है बाइक में, मैं तो कम ही बैठा हूँ बाइक में। जब सनसेट होने वाला है चले चले। मच्छी चौक क्यों? ओह माय गॉड, मच्छी चौक। ओह वेरी वायलेंट, ध्यान से। क्या बात है, ये हॉक्स बे है? ये हॉक्स बे है। तो अब हम लियारी पूरा घूम के यहाँ पहुंच गए हैं। मुंह की हालत देखिए, मिट्टी मिट्टी। मेरी कम हुई है, आपकी ज्यादा हुई है, उसकी आंखें लाल हो गई। मैं तो अपने आपको दिखाऊंगा ही नहीं। नहीं आप क्यों नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे जरा। ये बाल माशाल्लाह, क्या बाल, इतना हैंडसम, ओह माय गॉड। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमने दोनों बाइक्स ट्राई की, लेकिन मेकर से मैं ये कहूंगी कि देखिए इफ यू वांट दिस, अगर आप वाकई में चाह रहे ना एक बाइक रेवोल्यूशन हो, तो यार ये जो पीछे की सीटें हैं ना, इनको कंफर्टेबल बनाना बहुत जरूरी है। इन पे बैठना, जो बंदा गाड़ी चला रहा है ना उसके लिए तो फिर भी ठीक है, कंफर्टेबल हो जाता है। नहीं इस पे मैं कंफर्टेबल था। नहीं फ्रांस साहब, इस पे भी काफी देर मैं बैठी हूँ। नहीं आपकी तशरीफ कहाँ खराब हुई थी सर? मैं तो बल्कि वो GS 150 पे बैठ के ज्यादा अनकंफर्टेबल था। YBZ 125 पे भी मुझे तो सिमिलर फीलिंग है। पता है एक तो ये था कि स्पोर्ट्स बाइक की तो कुशनिंग कम होती है। हाँ। उसकी कुशनिंग ठीक है, बट अगर आप उसको आम बाइक से कंपेयर करें तो आम बाइक की कुशनिंग थोड़ी ज्यादा है। वो सामने खड़ी ना बाइक देखें, क्योंकि मैं हसनैन के साथ उसकी बाइक पे काफी घूमती हूं। आपके पास कौन सी बाइक है? मेरे पास वो सुजुकी 110। अच्छा GDR आराम से। तो अभी आई थिंक नया प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली दे आर रिसेप्टिव टू। कितने किलोमीटर चलाई है ये? बहुत चलाई है ये तो, मैं बस एंजॉय की है। मजा बहुत आया इसको, ये स्विच ऑफ किलोमीटर में देखिए, कैफे रेसर स्टाइल है। हां लुक तो बहुत फिट है, भाई की लुक के साथ पूरी जा रही है। भाई की लुक के साथ ये पानी इतना ऊपर क्यों आया हुआ है? हाई टाइड होती है चौथी गिरी, आज चौथी गिरी हमारा। अच्छा नहीं है आज जो है ये देखें, सर देखिए तो आप कह रहे हैं पूरम मासी की रात जो है, अमावस पे आती है 14 तारीख को। अच्छा 14 तारीख को जब हाई टाइड होती है। अगर आपने फिजिक्स बचपन में पढ़ी थी तो आपको पता होता है। सर पता है, मैंने पढ़ी हुई। बाकी सब ठीक है, माइक को बचा के पी के मुंह शुद्ध हो गया ना, और माइक को अंदर फेंका ना, कुछ नहीं कहता पानी ठंडे। सर समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए आप। सर कितना वैसे ग्रैंड लगता है वो, देखिए ना मतलब इन्फिनिटी पे जहाँ तक आप देख रहे होराइजन खत्म ही नहीं हो रहा। सो व्यूअर्स, जैसा भी व्लॉग बना है आई होप आपको मजा आया होगा, और ये हमारा जो कोशिश थी हम लोगों को इंस्पायर कर सके कि वो इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट करें। और सबसे पहले तो आई थिंक 2-व्हीलर से बंदा शिफ्ट हो सकता है, और कराची का लियारी देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे जो मेरी परसेप्शन थी कि बहुत ही बैकवर्ड होगा, इस तरह बिल्कुल नहीं था, बल्कि काफ़ी सारे शहर जिधर मैं जा चुका हूँ उधर से काफ़ी एडवांस था जो के अंदरून वाला इलाका होता है। और सुनील साहब आपके क्या हैं थॉट्स इस पर? मैं बिल्कुल मेरे सेम थॉट्स हैं जो आपके हैं, कि हमेशा हम जो सुनते हैं ना चीज़ें जो हमें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं मीडिया के ऊपर, उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, खुद जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। बिकॉज मैंने मेरे जहन में यह था कि मैं वहाँ जाऊँगा लियारी में, तो वहाँ शायद मोर्चे बने होंगे और क्रॉस फायर हो रहा होगा और बिल्कुल अजीब सी सूरत हाल होगी, बट मेरे ख्याल से बड़ा पूरा अमन एरिया था और बड़ा अच्छा एरिया था। हमने पूरा एरिया एक्सप्लोर किया, आपको वीडियो में भी नजर आया होगा, जस्ट लाइक एनी अदर एरिया। और बड़े उस लिहाज से जो मेरा ख्याल था कि बहुत बैकवर्ड है, उससे बहुत बेहतर था।
और हनी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, मतलब जो लियारी वाला और यहाँ आते हुए? बहुत मजा आया। सबसे अच्छी बात वही थी कि हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे थे ना। तो सर कराची वालों को कह दें हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाइक चैनल जो है वो भी हमने बना लिया है जिसपे ये देख रहे होंगे होपफुली या फेसबुक पे देख रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राशि भी अगा कर जरा करें ताकि हम लोग अपनी वीडियोस को आपकी फीडबैक को लेके पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने किरदार वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।